हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश पवार और आप देख रहे हैं अपना चैनल। तो आज मैं ये देख के आपको लग रहा होगा कि मैं बलेनो में बैठा हूं, इसका मतलब हमने बलेनो नहीं बेची। बट आप यहां पे गलत है। क्यों? क्योंकि मैं हूं तो बलेनो में, बट ये बलेनो मेरी नहीं है, ये बलेनो है किसके? बलेनो की कमी नहीं है गाइस, हम पे बहुत बलेनो है। ये बलेनो अपने इसकी, ये जीतू पवार अपना भाई यूट्यूबर यूजर जिसका फोन भी खराब हो गया था और जिसने बोला था कि 10,000 सब्सक्राइबर होते ही मैं फोन बदल दूंगा, बट ये बदल नहीं पाया। भूख लग रही है बट हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो भाई भगवान के आशीर्वाद से अनलिमिटेड खाना है, लेकिन वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा पहुँचने में। तब तक क्या करेंगे, क्या करें जीतू बता? भंडारा खाते हैं, अभी भंडारा चल रहा है। अरे अरे अरे, यहाँ तो भंडारा चल रहा है, चलिए चले फिर खा लें। चलो भाई, हम अभी ये मिणकोला पहुंचे थे अपने रास्ते में, ये तो हमको देख गया, यहाँ पे ये भंडारा चल रहा है तो यहीं पे भंडारा खा लेते हैं। भाई कैसा लग रहा है, हैं? ये प्रसाद खाके बहुत स्वाद आ रहा है। अभी तो लिया, अभी शुरू कर ले। अब यहाँ पे हम भंडारा खाते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। भाई अब मैं जीतू हमारे भाई है, कार एक्सपर्ट है, इससे राय लूंगा कि मेरे को नई कौन सी कार लेनी चाहिए। तो मेरा मन था, मैं सोच रहा था एक बार टाटा हैरियर डार्क एडिशन ली जाए, क्योंकि वो कार मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो जीतू आप अपना ओपिनियन बताइए, जो आप कह दोगे ना वही होगा। यार हैरियर में मजा वाली बात नहीं लगती। क्यों? उसमें तो देश का लोहा है, तू देश का भक्त नहीं है क्या? देश का भक्त तो हूं, वो बात तो मान ली। इसमें तो लोहा ही नहीं है जिसमें हम चल रहे हैं, पहली बात तो। यार उसमें वो फील ही नहीं आ पाती गाड़ी के लुक से देख के। भाई 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 अब देखो यार, इसने यार हैरियर रिजेक्ट कर दिया, मैं क्या बोलूं भाई। हैरियर अच्छी गाड़ी है, जैसे 700 दिलवा दे, थार दिलवा दे, पेट्रोल में तो मिल जाएगी। पेट्रोल चाहिए ही ना, पेट्रोल चाहिए तो बलेनो ही ना बेचते। पेट्रोल तो जिंदगी भी नहीं लूंगा मैं, 8 किलो अनले जब तक, जब डीजल एकदम ही बंद हो जाए। थार देख लो, एक साल की वेटिंग है उस पे। साल कौन रुकेगा भाई डिफेंडर की पे? डिफेंडर ले आए हैं जीतू, डिफेंडर का क्या ख्याल है भाई? डिफेंडर तो आग लगा देगी जीतू। कितने के डिफेंडर भाई? मैं किसी को पूछ के बताऊंगा, तू बता। अच्छा के लड़के को नहीं भूल सकते, अगर होड़ा लाए हैं तो उसको जरूर लेकर चलेंगे। रिजेक्ट भाई, अरे यार मैं, यार मैंने तो कही कि यार मत बताया, मत बता यार, क्यों रिजेक्ट करते है यार? मैंने तो कही पर तो भी है यार, यही तो पूछनी है। नो मेरा इतना मानो यार, जीतू के चालान कटवा भाई, चलाओ तुम 120 चालान कट जाएगा, मैं शर्त लगा रहा हूँ। आकाश देख, यही कंटेंट हो जाएगा, ये कंटेंट हो जाएगा, चालान कट जाएगा, गाड़ी छोड़ के जाएगा। देख लिया, देख लिया जीतू, टैक्सी किराया अरुण चला, अरुण चला आज यही चीज देख, चला टैक्सी किराया करके लेके चलेंगे। देख ले, टैक्सी किराया भी लेके चलेंगे गाड़ी, अगर चालान भाई मैं भगा रहा हूं, ठीक है, पूरी लाइव रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अगर चालान हो गया तो यहाँ से टैक्सी में जाएंगे भाई, किस गाड़ी को पुलिस वाले को देके जाएंगे। ये मेरी गाड़ी देख, ना तूने मास्क लगा रखा, ना कुछ ही नहीं है भाई, सीट बेल्ट भी हटा दी। लाइव है वीडियो, ए मालिक मिल रहा है। अच्छा है, रहना है का? ए भैया काय को लग रहो जम, वो जा गोली बैठ कहीं करदार में, भैया कल निकल जाएंगे, नीचे करने जाएंगे नहीं, कहां जा रहा हूं, कहीं गेट पे जा रहा हूं। यहाँ ओपन रख रखा है कि शनिदेव पे चले जाएं दर्शन करने के लिए। मैडम इसको क्यों बीच में चला रहे हो बच्चों को? हाय हाय, अरे 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 अरे, ये कहाँ चले हैं? देखिए एक तो हम इसका प्रमोशन कर रहे हैं, ऊपर से देखो दीदी प्रमोशन के पैसे लगते हैं, आपका प्रमोशन फ्री में हो रहा है दीदी, समझ आ रहा है? अच्छा खाएगी तू? अच्छा दीदी, अच्छा दीदी देख, दीदी देख क्या कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा। हाँ पैसे निकाल, पैसे निकाल दीदी। अच्छा देखो देखो ये और आ गया यहाँ पे बंदर, तीसरा बंदर यहाँ पे आ गया, खा जा इसको, इसको खा जा, खा जा इसको।
खा जा। देखो जीतू ये अपने भाई बहनों के साथ तो क्या करने लग गए। तो अभी यहाँ पे हम रुके थे एक क्विक ब्रेक के लिए, और ये है भाई कुआ, देखिए सो मच डीप कुआ, सो मच डीप वेल। देखो जो आप जिनको अपनी गाड़ी से प्यार होता है वो ऐसे हाथ दे दे के कहते हैं कि अरे पीछे लो। अरे बहुत जगह कोकिला धाम की जय, शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव पे पहुंच गए हैं यहाँ पे अपने हाथ पैर धोते हुए, और यहाँ पे करेंगे परिक्रमा शुरू, और वहाँ लग रखा है मेला, मेला भी धुंधार उन, देखो कितना अच्छा है। अपने से पहले दूसरों की सेवा करते हुए एंडेवर वाले ने देखो, मतलब छोटी गाड़ी वाले जो है जैसे अल्टो ही, तो अल्टो वालों के लिए तो फाटक लगा दिया, और एंडेवर वाला दादा पने में ओए खोल है खोल खोल है कैसा खोले को खोल ऐसे कर करके। दादागिरी का, अरे आज का टाइम है गाड़ी से तुमको लोग जज करते हैं। अच्छा हाँ, सकल से तुमको जज नहीं करते। अच्छा? तुम बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हो तो उसमें तुमको लोग का। अच्छा परिक्रमा करते शुरू, जय हो शनिदेव महाराज की जय। बस ओ ओ भाई, अरे यार, अरे चल उन्हें उठवाते थे गिर के बेचारे। अचानक ये और भैया ही तो बाइक उधर जाते जाते बची है। पुरानी से पुरानी खाज को खत्म करेगा, दर्द वालों के लिए पैर से लेके चोटी तक कहीं पर भी दर्द रहता है आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पसली में दर्द है, करते करते है ना नहीं। अरे यू कहाँ कहाँ तू कहाँ बतरान लग रहा है कहाँ खून किसी से लग गए हूँ उसे बिंदुक वारो यही की बात है का। सो अपना परिक्रमा चल रही है भाई एक घंटे से, और अभी पैर हमारे गए हैं भर, बट भक्ति इतनी है मन में। हमारे नहीं भरे भाई हैं, हमारे नहीं भरे, आप ही के भरे हैं। मैंने अपनी बताई है हम कि मेरे भर गए, तो हम मतलब मैं हम में हम भी हम मतलब मैं बोला है मैंने अपने आप को। ऐसे कोरोना के चलते ऐसे तो कुछ है नहीं, भीड़ नहीं है, बाकी लोग यहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम भी बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं। देखो जीतू भी मास्क लगा के पूरा एकदम। सो भाई परिक्रमा अपनी हो गई है डन, अभी हम चलते हैं शनिदेव महाराज के दर्शन करने के लिए। क्या हाँ जी गाइस, यस यस, अगर नहाओगे भी क्या, मैं अपने नहाने का भी प्रबंध होता है। हाँ, नहीं भैया उसमें लोग अपने पता नहीं क्या क्या धोते रहते हैं खड़े होके, वो पानी अब नहाने लायक नहीं है, पहले वो नहाने लायक था। कोकला वन की नहाने की जगह है, यहाँ कुंड में नहा सकते हैं भाई, ये यहाँ पे पानी बहुत बढ़िया हुआ करता था, बट ये जो आप इस पे ये देख रहे हैं ये पूरे ये टंग रखे हैं जो, इनकी वजह से यहाँ पे नहाना बंद किया है, इनकी वजह से यहाँ पे इतना भिचंड सा आता है भाई साहब, मतलब ये यहीं पे उसी में धो लेते हैं, उसी में नहा धो के। पर चलो कोई नहीं, लोगों की श्रद्धा है। देखो पहले ना इसमें बहुत लोग नहाते थे, बहुत भीड़ होती थी नहाने वालों की, और अब लोगों ने इसमें कम कर दिया नहाना। सो अभी सबसे पहले हम सूर्य देव पर दूध चढ़ाएंगे, आइए दर्श भक्त जनो आओ अंदर आओ, शर्मा क्यों रहे हो, बहुत शर्माते हैं, चलिए जी जय हो, जय शनिदेव महाराज की जय हो। ये नेगेटिव लोग क्या नेगेटिव वाली बातें कर रही हैं, मैं कैमरा थोड़ा सा जीतू को मत लीजो, कभी जीतू को ले ले फिर से। जय शनिदेव महाराज की जय हो। और ये अरे रवि को तो हमने मिलवाया ही नहीं, बहुत देर से रवि को दिखाए जा रहे हैं, तो हमने रास्ते में रवि को भी उठा लिया था मामा के घर से, और ये जीतू पवार, और ये लगा रखा है जीतू ने तिलक, जीतू ऐसे लग रहा था तेरे नजर का टीका हो जैसे बचपन में मम्मी लगा देती है ना इधर, जीतू को गलती से लग गया इधर। चलो जय शनिदेव, जय शनिदेव भाई, कॉम्पिटिशन देखो कितना तगड़ा, देखो देखो जीतू किधर जाएगा तू, अच्छा एक वहां चले जाएगा एक यहां जाएगा, यो कह रहे रिकॉर्डिंग कर ली सब मजा ले लियो, जब भी ना आयो दूसरे चले को। ये जीतू की से मत करो, हाँ इसी से करो, वंस मोर इसको भी करो दूसरी से कर देना। बोल शनिदेव महाराज की जय, बोल शनिदेव महाराज की जय।
अभी भाई अपने दर्शन हो चुके हैं शनिदेव महाराज के। सो रवि दर्शन कितने अच्छे से हुए ना आज हमारे भाई, पहली बार आरती के टाइम पर आए। हाँ, पहली बार आज हमने आरती देखी और अभी हम आ गए हैं भंडारा खाने के लिए। और भाई भीड़ देखो भंडारे पे, बहुत भीड़ हो रखी है, बट हम भले थोड़ा सा खाएं बट भंडारा जरूर खा के जाएंगे प्रसाद। जीतू लगा तो है लाइन पे देने के लिए। अरे जीतू को पूरी मिल गई, देखो जीतू को पूरी मिल गई। ओके थैंक यू जीतू, हम भी आ रहे हैं लाइन में लगने के लिए। क्या प्रैंक हो गया जीतू तेरे साथ? बोल रहे हैं कि इसमें नीचे आती नहीं रहता। ये तो आपकी गलत बात है। और प्राइस कितना दिख रहा है इसमें? 90 रुपए। नेपाल नेपाल की है ना? अरे क्या है तो ये भाई कंपनी से एक आठ डिफेक्टिव पीस बन जाओ। कोटी हमारी लगे तगड़ी है कहता ये किसान। युवा तरुण ने कही है, मैंने तो बस चीप दी। सो प्रसाद लेकर अपनी डैमी के पास में, देखो देखो डैमी को देखो, मतलब अभी हमको गए कोई 4-5 घंटे हुए, पागल हो गया बिल्कुल। अरे 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 बस डैमी बस पहुंच गए हम अपने घर। चाहिए बिल्कुल एकदम बस डैमी। हाँ बस बस हम चाटने का हो रहा है कि ऐसे घर में वेलकम करने के लिए। यहाँ कुछ हुआ करता था जो कि अब नहीं है। सो यही था भाई अपना ब्लॉग आज का। वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।